नमस्कार, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। खबरें देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं ब्रह्म पुष्कर न्यूज। कुचामन से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। महावीर इंटरनेशनल संस्था के 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सप्ताह कार्य का आज हुआ समापन। सेवा सप्ताह कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होकर 11 जुलाई को आज हुए संपन्न। इसमें हुए अनेक सेवा के कार्य। संस्था द्वारा बेबी किट वितरण किए गए, वृक्षारोपण किया गया, वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धजनों को भोजन कराया गया, गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को मास्क वितरित किए गए, पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए, जानवरों के लिए पानी की खेलियां भरी गई, जगह जगह अनेक सेवा कार्य किए गए, बेसहारा असहाय लोगों को भोजन कराया गया। इसी को लेकर संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि ये सेवा कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। संस्था मानव सेवा में समर्पित है। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि गो सेवा और मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इसी प्रकार की सेवाएं संस्था द्वारा आगे भी निरंतर जारी रहेगी। सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था द्वारा कई जगह वृक्षारोपण भी किया गया। वृक्षारोपण करते संस्था के पदाधिकारी महावीर इंटरनेशनल संस्था के सेवा सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों को लेकर सभी गणमान्य लोगों ने संस्था का आभार व्यक्त किया। इस दौरान महावीर इंटरनेशनल संस्था के जोन कोषाध्यक्ष सुभाष पहाड़िया, सचिव राम अवतार गोयल, अध्यक्ष सरोज पाटनी, सविता झांझरी, प्रदीप काला, रितेश अजमेरा, प्रदीप गंगवाल, महावीर पांड्या, सुनील पाटनी, महेश लड्डा, राजेश अग्रवाल, दर्शिल जैन, दिनेश शर्मा, अजीत पहाड़िया, सुरेश जैन, जगदीश कुमावत, तेज कुमार बड़जात्या, सीता गंगवाल, कमल गौर सहित अनेक गणमान्य लोगों ने सेवा कार्यों में अपना सहयोग दिया।